सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो मित्रों, मोदी जी ने नया मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, पूरे कैबिनेट को रिशफल कर दिया है, किसी को हटा दिया है, किसी को भगा दिया है, कुछ को अंदर ले लिया है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मोदी जी ने जो सबसे बड़ा मंत्रालय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो अपने पास रखा है। क्योंकि मोदी जी हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत रिसर्च करवाते हैं, जिससे कि इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमको विंड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है, बाबा जी की बूटी। हमको राडार से बचने के लिए बहुत सारे विमान उड़ाने पड़ेंगे, ताकि हम पाकिस्तान से लड़ सके, चाइना से लड़ सके, टेररिस्ट से लड़ सके। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। और ऐसी कई अनगिनत जो एनर्जी है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। और जैसे कि अभी सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ गए हैं, तो हम नाली के साइड में जाके गैस प्रोड्यूस कर सकेंगे। जिसको भी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। जैसे कि जो हमारे देश का गरीब तबका है उसको गैस मिल सके, वो खाना बना सके और भूखा पेट नहीं सोए। मोदी जी को कितना देश की चिंता है। और सबसे बड़े इसके लिए मोदी जी ने रिसर्च को रखा है, पीएचडी वालों को रखा है, ताकि वो पीएचडी वाले जो हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और देश को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सके। और इसके लिए मोदी जी ने पीएचडी वाले मिनिस्टर्स को भी रखा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर रिसर्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जैसे मोदी जी बहुत कंपनियाँ बेचते हैं, तो इसलिए मोदी जी ने एमबीए वालों को भी रखा है, ताकि जो थोड़ी बहुत कंपनी लाभ वाली हानि वाली जो रह गई है, ताकि हम उसको बेच सके और निर्मला ताई को वो मदद कर सके। और एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री, जिसकी जिम्मेदारी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अमित शाह भाई जी को दी है, जिसमें कि वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि चाहे जेएनयू का मामला हो, एएमयू का मामला हो, हमारे देश के आंदोलनकारी किसान हो, या फिर हो सकता है कि शाहीन बाग के जो आंदोलन वाले लोग हैं वो उनसे हमेशा बात करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनसे बात करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। इसलिए मोदी जी ने उनको ये दामोदार दे दिया है, और वो देखते हैं कि कितना कोऑपरेट करती है जनता उनके साथ, क्योंकि जो हमारे श्री अमित शाह जी है वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शांति और भाईचारे का नारा देने वाले हमारे मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर। गद्दारों को होली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे। और जिनका बहुत अच्छा इतिहास रहा है, वो क्रिकेट भी खेल चुके हैं, बीसीसीआई के हेड भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, पर वो इस थोड़ी सी चूक हो गई है कि वो नेपोटिज्म का शिकार है, इसलिए उनको मंत्रालय में दिया गया है। और इस बार उनको आई एंड बी मिनिस्ट्री दी गई है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करे और उसको अच्छे से ब्रॉडकास्ट भी करे। तो आइए एक उनकी एक इन्फॉर्मेशन बताइए, थोड़ा लगाइए। यही इन्फॉर्मेशन, ये हेट स्पीच नहीं है, वो लोगों को बता रहे कि आपको ऐसा काम करना है, तो बहुत बढ़िया बात है। और इस पद पर रहते हुए वो अच्छी स्पीच देंगे, अच्छे भाषण देंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। इसके बाद हम हमारे हेल्थ मिनिस्टर की बात करें मनसुख जी की, तो बहुत बढ़िया, मतलब कि उनके जो कभी आप ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आपके मन को बहुत सुख मिलेगा। उनके नाम में ही मनसुख है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इनके ट्वीट्स पढ़िए और जो आपके ज़िंदगी में दुख दर्द है उसको भुला दीजिए और थोड़ा खुश हो जाइए। हम यहाँ किसी की इंग्लिश की मज़े नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश हमको भी नहीं आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आती है। देख लीजिए, और तो हम किसी का मजाक नहीं कर पा रहे हैं। तो
अब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हिंदी तो आती होगी, लगाओ तो हिंदी वाला थोड़ा। अच्छा अच्छा, अरे इनको भी मंत्री बना दिया है मोदी जी ने यार। हाँ चलने दो, पर अब देश ऐसा चल रहा है तो चलने दो, क्या करें। आपने हमेशा मंत्रियों, नेताओं की और सरकार में लोगों की डिग्री के बारे में सुना होगा कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इस बार एक नए और मंत्री जी आए हैं, जैसे कि आप पहले सुन चुके होंगे कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी की कंट्रोवर्सी, हमारे मोदी जी की डिग्री की कंट्रोवर्सी, तो इस बार एक नए भाई साहब आए हैं। तो एक जगह दिखाया गया है कि ये डिग्री किए हैं, सही है, और एक जगह लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 12वीं पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बस नेताजी चाहिए, हमको उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो IIT से हो, PhD से हो या फिर कहीं, हमको झूठ मूठ चलता है, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। और फिर जो लोग गए चले गए उनके लिए हमें खेद है, जो हर मंत्री जी के मास्टर स्ट्रोक पे बोलते रहते थे, चाहे वो छीक ही क्यों ना लें, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, जैसे कि हमारे श्री RS प्रसाद जी, उनको बहुत प्रसाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा, और दूसरे हमारे हेल्थ मिनिस्टर जिन्होंने कोविड सेकेंड के टाइम पे बहुत लोगों की मदद की थी और बहुत अच्छा काम किया था, पर उनके साथ मोदी जी ने बहुत बुरा बर्ताव किया, हमको उनके साथ बहुत सांत्वना है। और अब वो शायद मटर छीलेंगे या फिर बहुत स्ट्रेस हो गया होगा उनकी लाइफ में, तो हम उनको बताते हैं कि आप थोड़ा डार्क चॉकलेट खाइए, क्योंकि कोरोना के टाइम में आप बताए थे ना कि जो ऐसे स्ट्रेस ले रहे हैं तो डार्क चॉकलेट खाइए, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, और अब आप फुल टाइम पतंजलि का प्रमोशन कीजिए और बाबा रामदेव जी से मिलिए, आपके पास आप फुल टाइम है। और जितने भी मंत्री लोग इस्तीफा दे चुके हैं, हमने नहीं देखा कि उन्होंने बेचारों ने जो नई कैबिनेट में लोग आए हैं उनको बधाइयाँ भी नहीं दी, ये गलत बात है। प्रसाद जी और हर्षवर्धन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको बधाई देना थी ना कि मोदी जी ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, पर आपने बधाई नहीं दी, गलत बात है ये तो। आप तो हर बात पर बधाई देते थे मोदी जी को। और प्रसाद जी और हर्षवर्धन जी, अडवाणी के पास आप जाइए, अडवाणी जी को पूरा आइडिया है कि अब आप क्या कर सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो गया है इतने साल काम करके मार्गदर्शन मंडल में कि आप क्या काम कर सकते हैं क्या काम नहीं कर सकते। और मोदी जी किए हैं तो कुछ अच्छा ही किए होंगे आपके लिए, मोदी जी कभी बुरा नहीं सोचेंगे आपके लिए, भविष्य में कुछ और सोचे होंगे ज़्यादा बड़ा, क्या पता आप मुख्यमंत्री बना दिए जाए या फिर राज्यपाल बना दिए जाए, कुछ तो मतलब सोचे होंगे, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बारे में हम भी चिंतित हैं, आप घर में बैठ के लूडो खेलिए, मटर छीलिए, मटर पनीर बनाइए, और ट्विटर से भी लड़ाई कर लीजिए। अब RS प्रसाद जी अब बेचारे हमारे ट्विटर से लड़ाई कर लिए सरकार के बदले, पर मोदी जी ने उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मोदी जी ने उनको मतलब कि उनके मंत्री का पद छीन लिया, गलत बात है मोदी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मोदी जी रिसफल कर दिए तो हो सकता है कि कुछ अच्छे ही किए होंगे, अच्छा ये काम में आ सकता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम में आएगा, बाकी स्टेट्स में जो चुनाव है वहाँ पे काम में आएगा, और जो सबसे बड़ा जो तीर है वो कहाँ पर मारना है हमको, लोकसभा के चुनाव में, तो काम हो जाएगा रिशफल करके, मोदी जी बिल्कुल आएंगे। हमको जो कोरोना की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से जो हमारी सरकार को और जो मोदी जी की इमेज जो ख़राब हुई थी उसको सही करने के लिए हमारे मोदी जी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, और उन लोगों को ऊपर उंगलियां उठा दी कि आपने जिम्मेदारियाँ सही नहीं निभाई, इसलिए अब हमको हटाते हैं, आप मंत्री के पद पर रहने के लायक नहीं हैं। और इससे हमको एक मैसेज मिला कि भैया मोदी जी ने कितना अच्छा काम कर दिया कि जो लोग जिम्मेदार है जो काम नहीं कर रहे हैं उनको मोदी जी ने हटा दिया, ओ कितने महान है मोदी जी, आप बहुत महान है बहुत महान है। और जो मोदी जी की इमेज है थोड़ी सी बेटर हो गई, बिल्ट हो गई कि यार मोदी जी सही काम कर रहे हैं, बाकी जो मंत्री थे वो हमारे सरकार का ही भाग थे पार्ट थे, इसलिए कभी मंत्री काम किए हैं तो मतलब सरकार काम बुरा किए और सरकार बुरा काम किए मतलब कि समझ गए। और हम आखिरी में बात कर लेते हैं हमारे महाराज जी की, अरे वही चिपकली जैसे रंग बदलने वाले, अरे वही ना जो बहुत बड़े बिजनेसमैन महाराजा है। प्रधानमंत्री के पास नहीं गरीब के कुटीर में जाने के लिए समय, प्रधानमंत्री के पास नहीं किसान के कुटीर में जाने के लिए समय, लेकिन प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय।
प्रधानमंत्री को समय है, चीन का राष्ट्रपति यहाँ आता है तो साबरमती के तट पर झूला पे झूला के खांडवे और ढोकली खिलाने का समय मिलता है। अरे यही यार, हाँ यही इनको वो वाला डिपार्टमेंट दिया गया है जो काफी बिकाऊ है। नहीं मैंने नहीं कहा ये बिकाऊ है, नहीं। अरे मैंने कब कहा, मैंने तो ये कहा कि वो डिपार्टमेंट दिया गया है जो बिकाऊ है, जिसको हमारी सरकार बेचना चाहती है। आप भी गलत बातें सुन लेते हो यार। अब इन जिसमें ये बोल रहे हैं कि मोदी जी कितने बुरे हैं, मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, मोदी जी चाइना के साथ झूला झूलते हैं, गलत बात। अब शायद हो सकता है कि हमारे महाराज जी भी चाइना जाएंगे, हमारे महाराज जी भी पाकिस्तान जाएंगे बिरयानी खाने के लिए। शायद जाओगे महाराज, बता दो थोड़ा जनता को। आज मेरा किसान देश में परेशान, और अब महाराज जी को मंत्री बना दिए हैं, तो अब जनता का बहुत काम करेंगे, बहुत सेवा करेंगे। जैसे कि इन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि इनको सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। उस नौजवान की जिसको मोदी जी ने कहा था हम लाएंगे अवसरों का भंडार, लेकिन लेके आए पान और पकौड़े वाली सरकार। आप है ना जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए, मोदी जी का डायलॉग है ये। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, लोगों की हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।